नमस्कार साथियों, आप सभी का चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। राजस्थान में कल मंत्रिमंडल का गठन हुआ, जिसमें राजपूत समाज से 3 विधायकों को ही मंत्री बनाया गया, जिसको लेकर राजपूत समाज में काफ़ी ज़्यादा गुस्सा है। और अब सोशल मीडिया पर कई पोस्टें वायरल हो रही है, जिसमें लगातार सुखदेव सिंह गोगामेडी के जो चाहने वाले हैं, जो उनके करणी सैनिक हैं, वो लगातार कह रहे हैं कि अगर सुखदेव सिंह गोगामेडी इस वक्त होते तो वो सरकार का इस मैटर को लेकर ज़बरदस्त विरोध करते और राजपूत समाज को प्रतिनिधित्व दिलाने के लिए वो पहले से ही लगातार सरकार के बात में ये सारी जो कार्यप्रणाली है, जो सारी बातें हैं, वो उनकी नॉलेज में लगातार डालते रहते हैं। और कहीं ना कहीं सुखदेव सिंह गोगामेडी इस बात का पुरजोर विरोध करते कि इतना कम प्रतिनिधित्व क्यों मिला है। उनके समर्थक लगातार कह रहे हैं कि आज वो नहीं है, और कहीं ना कहीं वो आवाज़ जो गूंजती, जो कहीं विरोध का स्वर, एक जो बहुत तेज स्वर जो कहीं सुनाई देता, वो अब नहीं सुनाई दे रहा है। आप सभी को ज्ञात हो कि सुखदेव सिंह गोगामेडी के साथ जो हुआ उसको लेकर अभी तक उनके समर्थक लगातार सदमे में और बहुत गहरे सदमे में है। लगातार सोशल मीडिया पर वो इस बातों की चर्चा करते रहते हैं, और कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी क्षति जो राजपूत समाज के लिए, मान सकते हैं करणी सेना के वो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, समाज के मुद्दों को लेकर लगातार सक्रिय रहते थे, राजपूत समाज के मुद्दों को लेकर लगातार, चाहे सोशल मीडिया पर हो, चाहे वो जमीनी स्तर पर हो, लगातार वो हर तरीके से अपनी बात रखते थे। और कहीं ना कहीं अब उन्हीं बातों को लेकर उनके समर्थक लगातार सोशल मीडिया पर ये पोस्ट और ये कमेंट लगातार कर रहे हैं कि राजपूत समाज को जो प्रतिनिधित्व कम मिला है, राजस्थान सरकार में सिर्फ 3 मंत्री बने हैं, 16 विधायक हैं, और क्षत्रिय संघ की तरफ से भी कहा गया कि 90% वोट हमारा एक तरफ गया है, बीजेपी को गया है, उसके बावजूद उन्हें प्रतिनिधित्व उस अनुसार नहीं मिला जो मिलना चाहिए था। लेकिन जो सुखदेव सिंह गोगामेडी के बारे में लगातार पोस्टें और लगातार कमेंट्स आ रहे हैं कि अगर गोगामेडी होते तो कहीं ना कहीं सरकार को हिलाने की ताकत वो रखते थे, और उनकी आवाज़, उनकी गूंज कहीं ना कहीं बहुत बड़े मायने रखती थी, और लगातार वो अगर उन्हें कुछ गलत होता दिखाई देता था, चाहे सरकार के लेवल पर हो, चाहे प्रशासन के लेवल पर हो, चाहे सामाजिक लेवल पर हो, वो हर बात को लेकर अपनी मुखर तरीके से जो आवाज़ थी उसको सबके सामने रखते थे और अपने विरोध को दर्ज कराते थे कि जो ये बात है उसके खिलाफ वो खड़े हैं। अब कहीं ना कहीं वो बीच में नहीं है, और लगातार इस तरीके के कमेंट्स और पोस्ट सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं, जिसमें लोग सुखदेव सिंह गोगामेडी के जो विरोध के स्वर थे वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा वो उनको मिस कर रहे हैं। बाकी के अपडेट्स के लिए चैनल के साथ लगातार जुड़े रहें। जय हिंद।